Hi guys, welcome back to the another video that will be going on facts. So guys, ye video hone wali hai fact par aur ye fact honge Albert Einstein par. So guys, hope ki aapko ye video achhi lage. So video achhi lage to please video ko like kijiye aur agar aap channel par naye hain to please is channel ko subscribe karke bell icon press kar lijiye jisse hamari agli har aane wali videos ki notifications sabse pehle aapko milti rahe. To chaliye without wasting a more time, let's have a look on the facts. एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता. दुनिया के सबसे बड़े और अपने समय के महान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म यानी बर्थ डेट उनका 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ था. एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं और उनको इन्स नाम का भी एक दर्जा दिया गया है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के वेटुमबर्ग में एक यहूदी परिवार में हुआ था. एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन भी थे. आइंस्टाइन को दुनिया में सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन बचपन में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे व वो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर और धीमे थे. एक बार की बात है, आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, लेकिन वो उसके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे. आइंस्टाइन अपने भूलने की बीमारी से लोगों में बहुत बदनाम थे. अक्सर वो तारीख, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे. आइंस्टाइन अपने फोटोग्राफ के लिए $5 और अपने भाषण के लिए $1000 लेते थे और ये सारे पैसे वो गरीबों में फिर दान कर देते थे. एक बार की बात है, किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि प्रकाश की गति क्या है. इसमें आइंस्टाइन का जवाब उस आदमी को यह मिला कि मैं किताबों में बताई हुई चीज़ों को याद नहीं रखता हूँ. आइंस्टाइन ने कई नए विचारों की खोज की, जिसमें से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E=MC² बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध है. सन 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का प्रेसिडेंट बनाना चाहा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीधा इनकार कर दिया, ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं. मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग एक डॉक्टर द्वारा चोरी कर लिया गया था. उस डॉक्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के शरीर का परीक्षण किया और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को डॉक्टर ने 20 वर्षों तक एक जार में संभाल कर रखा हुआ था. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ था तब उनका सर बहुत बड़ा था तथा इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया था. एक बार की बात है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ खाने पर बैठे थे, तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कुछ बोला और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के विचित्र व्यवहार के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था. एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि अगर आपको एक बढ़िया रिसर्च करनी है तो आपको 10 घंटे तक सोना होगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है. उनके जन्मदिन यानी 14 मार्च को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें लिखीं, उसमें से 300 किताबें उन्होंने साइंटिफिक किताबें लिखीं और 150 नॉन साइंटिफिक किताबें उन्होंने लिखी. जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सिर की तरफ इशारा करके मुस्कुरा देते थे. एक बार किसी वैज्ञानिक ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनके प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना फाउंटेन पेन दिखाया. एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि उनकी प्रयोगशाला उनका दिमाग है और उनका प्रिय उपकरण उनकी फाउंटेन पेन है. एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने वायलिन से बहुत ही लगाव था, इसलिए उनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन रहा जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय था. एल्बर्ट आइंस्टाइन को संगीत में काफ़ी रुचि थी, इसलिए वो कबाड़ किचन में वायलिन बजाया करते थे और खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुना करते थे. एक बार की बात है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो उनका कोई एक छात्र उनके पास आता है और कहता है कि इस साल भी वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल भी आए थे. इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब यह था कि प्रश्न तो वही आए हैं जो पिछले साल थे, लेकिन इस बार उनके उत्तर बदल गए हैं.
18 अप्रैल 1955 इस दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सो गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।